तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका रेल फैन अक्षय पटेल। दोस्तों आज मैं यात्रा करने वाला हूं ट्रेन नंबर 11464 जबलपुर वेरावल एक्सप्रेस में। मेरा कोच है S3, सीट नंबर है 3। तो अभी मैं हूं अहमदाबाद जंक्शन में, तो अभी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हम 1.5 घंटे देरी से अहमदाबाद जंक्शन से निकल रहे हैं। साबरमती रिवर तो अभी हम साबरमती जंक्शन क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन इसका स्टॉप नहीं दिया गया है। जामनगर अहमदाबाद
NMG रेक। दोस्तों इस ट्रेन का टाइम था सुरेंद्रनगर जंक्शन में 10:30 का, लेकिन 1.5 घंटा देरी से अभी 12 बजे सुरेंद्रनगर जंक्शन में अभी आए हैं हम।
तो इस ट्रेन का मैं स्टॉपेज बता दूं कि अभी सुरेंद्र नगर जंक्शन के बाद अभी थान आएगा, इसके बाद वाकानेर राजकोट होते हुए जूनागढ़ वीरपुर होते हुए वेरावल हम पहुंचेंगे करीबन 6 बजे। वेरावल अहमदाबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस वोटो आल्को के साथ रिपोर्टिंग फ्रॉम थान जंक्शन।
रायपुर वाले काम लेता बोले एल तो बुढ़ा का ठेली बजा के दीवार आता है थैंक यू तो अभी हम वहाँ कन्हे जंक्शन आ चुके हैं, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े पेड़ है। जंक्शन में इतनी सारी पब्लिक उतरी है ना कि मानो यहाँ पूरी गाड़ियाँ खाली हो गई हैं। पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ है यात्रियों से, और वो भी इसी ट्रेन से उतरे हैं अभी। तो वहाँ का ना जंक्शन तो निकल
निकलते ही खूबसूरत कर्व आता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। भी दिख रहा है, और इधर पीछे वो लास्ट वाला कोच भी दिख रहा है। एक ही जगह से पूरी गाड़ी दिख रही है। अभी जस्ट वाकानेर जंक्शन से निकलते ही बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगाई गई है। एक तो बंद भी पड़ी हुई है और कई चल भी रही है। Thank you.
तो डिले जो था वो अभी भी बरकरार है। ट्रेन का टाइम था 12:30। लेकिन अभी भी 1 घंटा देरी से चल रही है। अभी हम राजकोट जंक्शन पहुंच चुके हैं। और उस साइड सामने मेरा फेवरेट एल्को वटवा WDM4D। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना कि किस किस को अल्को लोकोमोटिव बहुत पसंद है।
तो अभी हम राजकोट से वेरावल की ओर निकल रहे हैं। सामने से जो लाइन आ रही है वो है जामनगर की ओर निकल जाती है। उस साइड तो ट्रेन भी खड़ी हुई है। जबलपुर वेरावल क्रॉसिंग, वेरावल जबलपुर क्रॉसिंग, एट भक्ति नगर। दोस्तों राजकोट के बाद सिंगल लाइन रूट है, इसलिए यहाँ सभी ट्रेनें साबरमती WDP4D सोमनाथ जबलपुर अभी सामने वाले ट्रेन जबलपुर के लिए निकल रही है। और सामने लगी है सौराष्ट्र एक्स जनता एक्सप्रेस जो वेरावल से बांद्रा में इसके बीच चलती है। और यहाँ सौराष्ट्र जनता का डिपार्चर हो चुका है। यहाँ सिंगल लाइट रूट है तो Thank you.
और बांदेटर में। तो अभी हम जेतलसर जंक्शन पहुंचने वाले हैं और ये जो सामने से लाइन आ रही है वो भावनगर की ओर निकल जाती है, इसलिए जेतलसर को जंक्शन कहा जाता है। एक लाइन भावनगर से आ रही है और एक लाइन जिससे हम आए वो अहमदाबाद राजकोट वाली लाइन। यही लाइन भावनगर की ओर निकल जाती है। जेतलसर जंक्शन
स्लीपर क्लास। ये है अपर साइड, इसमें दोनों में चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं और ये साइड लोअर। यहाँ इंडिकेटर में भी दिखा रहा है। इधर भी दोनों साइड चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। सामने शीशा भी दिया है। तो अभी हम जूनागढ़ जंक्शन पहुंच चुके हैं। जूनागढ़ जंक्शन Thank you.
क्या नज़ारा है। हरे भरे पेड़ और नारियल के पेड़ बहुत सारे।
साबरमती एल्को WDM3। वेरावल अहमदाबाद वेरावल जंक्शन उसके सामने मीटर गेज की ट्रेन खड़ी है। यहाँ से मीटर गेज की ट्रेन अमरेली के लिए चलती है। उसके रेक्स खड़े हैं अभी। तो जबलपुर वेरावल एक्सप्रेस ट्रेन की लोको की बात करें तो साबरमती डीजल लोको सेट का WDP4D लोकोमोटिव लगा हुआ था। तो अभी हम वेरावल जंक्शन में आ चुके हैं और हमारी जर्नी यहीं एंड होती है। दोस्तों ट्रेन ने राइट टाइम पहुंचाया है अभी वेरावल जंक्शन में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सोमनाथ वेरावल तो आप देख सकते हैं पीछे सोमनाथ महादेव, पीछे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। तो अभी मंदिर में कुछ कैमरा में अलाउड नहीं है, तो मैंने अभी अंदर से कुछ नहीं हो पाया, बाहर से आपको दिखा रहा हूँ।